बैक टू माय चैनल द रेखास गैलरी। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन आप सबको पता है खीर बनाकर ऊपर छत पर रखी जाती है, जो रात में अमृत गिरेगा तो हम लोग सब लोग अमर हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इस कामना के साथ हम लोग खीर बनाते हैं और ऊपर छत पर रखते हैं, गणेश जी का भोग लगाते हैं, सत्यनारायण का भोग लगाते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं उसमें, वो हम लोग खाते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तो इसलिए बनाई जाती है। उसके साथ में एक रिवाज और है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी, वो है सुई और धागा। शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे इससे क्या करना है, चलो इसके बारे में दिखाते भी हैं आपको और बताते भी हैं। आप लोग आ गए हैं अपनी छत पे और खुल गया है हमारा दरवाज़ा और बस हम लोग चल रहे हैं अपने छत पे। ये देखिए काफ़ी सारा अंधेरा है और आपको कम कम ही सब समझ में आ रहा होगा। और आज का यही कि शरद पूर्णिमा का चांद ये रहा, पूरा चांद है, ये छत से आपको दिखा रही हूँ मैं। और सुई और धागे की ये कुछ पुरानी प्रथा है जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, कि पहले के ज़माने में होता था हम लोग आई टेस्ट करते थे, ये रिवाज था या प्रथा थी जो भी हो, लेकिन आई थिंक ये आई टेस्ट था जो पहले के टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग आई टेस्ट करते थे किसकी आई कितनी अच्छी है, तो वो ये शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी में हम लोग सुई में धागा डालते थे, पुराने समय के लोग धागा डालते थे और उससे ये पता करते थे कि देखते अगर पड़ जाता था इसका मतलब आपकी आँखें स्वस्थ हैं अच्छी हैं, अगर नहीं पड़ पाता था तो इसका मतलब आपकी आँखें अच्छी नहीं हैं। तो आइए आज हम भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारी सुई में धागा पड़ पाता है कि नहीं पड़ पाता है। और ये देखिए हमारी खीर यहाँ पर हैंग कर दी गई है, मेरे घर में बिल्ली दो चार दिन से आ रही है इसलिए हैंग कर दी है, ज़मीन पे नहीं रखी है। और इसमें एक तुलसी का दल डाल दिया है, आज ही मेरी मम्मी ने बताया कि तुलसी का दल भी डाला जाता है इसमें, तुलसी की पत्ती, तो वो डालकर यहाँ पर टांग दी गई है और सुबह इसको उतारा जाएगा। और चल दिए चलते हैं अपने सुई में धागा डालने के लिए चंद्रमा जी की तरफ, ये जो चंद्रमा है इसकी रोशनी में डालते हैं धागा। यार आपको दिखा दिया, ये रही सुई, ये रहा धागा और इसको डालूंगी, अब जरा फ्लैश बंद कर देना और चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पड़ेगा और आपको अंधेरे में ही वीडियो मिलेगा, तो थोड़ी देर को दिखाई नहीं देगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग डाल रहे हैं, वो आप नहीं देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिखाऊंगी तो धागा नहीं पड़ पाएगा। और अब जब थोड़ा सा मेरे बेटे ने हल्का सा कुछ फ़ोन से सेटिंग करा है, इस जगह फ्लैश नहीं ऑन किया है तो हल्का सा दिख रही हूँ मैं, इस जगह फिर भी फ्लैश नहीं ऑन है, मैंने अंधेरे में ही धागा डाला था ऑनेस्टली। और मैंने मेरे दोनों बेटों ने मिलकर धागा डाला और काफ़ी इंजॉय किया इस नाइट को। आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस में काम ज़्यादा था तो वो थोड़ी लेट आएंगे, वरना वो भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो एक बार नहीं दो बार तीन बार डालते हैं, मुझसे तो कह रहे एक बार ही पड़ जाए बहुत बड़ी बात है। और बच्चे देखिए कितने मज़े से लगे हुए हैं, अरे बड़ा वाला बेटा मेरा वीडियो बनाने में लगा हुआ है, जब वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी बनाएगा, मतलब कि वो भी धागा डालेगा। ये देखिए लगी हुई है मैं फटाफट से, धागा समझ में नहीं आता, एक एक रेसा डालने में यार, इतनी लाइट में हम लोग रहते हैं कि पहले के टाइम पे लोग बिना लाइट के कैसे रहते थे, वो जो सारा काम कर लेते थे बिना लाइट के, और हम लोग तो बिना लाइट के कुछ कर ही नहीं पाते हैं, अगर लाइट नहीं है तो सब सुना सुना लगता है ना, कुछ होता ही नहीं हम लोगों से। और पुराने टाइम के तो लोग जो थे, हमारी जो नानी हैं दादी हैं, वो तो सुई में धागा अभी भी डाल लेती है क्योंकि वो सब पहले की वो इसी तरीके की टेक्निक यूज़ करके अपने आप को फिट रखती थी, और हम लोग पता नहीं किस तरह से अपने अपने आप को खाते पीते हैं या क्या करते हैं, जो हम लोग इतने वीक हैं पुराने टाइम के जैसे हम लोग नहीं अच्छी हैं। गाइज आप लोग भी करिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखिए धागा पड़ गया है, ये देखिए गिरा ना देना आप, कैसे गिरेगा आप तो धागे में आके ना, ये देखिए ये यूहू, ये गाइस खेलते खेलते कहीं गिरा ना, गाइस यू कैन सी माय ज़ोन, मेरा भी निकल गया, वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा निकल गया।
देखिए धागा सुई में पड़ गया है और हो गया है आज का रिवाज पूरा। और मैंने अपने आई का टेस्ट पुराने टाइम से कर लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ में बने रहें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तो आ गई हूँ मैं अब लाइट की तरफ, क्योंकि उधर ज़्यादा अंधेरा था ना। तो बस हो गया है आज का ये रिवाज पूरा। तो सुबह जब अमृत बरस जाएगा तो आपके साथ खीर शेयर करूंगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ये ब्लॉग नाइट में शुरू हुआ था, नाइट में ही ख़त्म हो रहा है। और ये रहा मेरा बेटा जो वीडियो अभी तक एडिट कर रहा था, अभी इसका सुई में धागा डालना बाकी है। एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी तरफ से भी बाय बाय सुन लीजिए। बाय बाय। और फ्लोर पे खड़े होके और आपको देखिए अब मेरा बड़ा वाला बेटा डाल रहा है। आई होप आपको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर फिलहाल आप थोड़ा सा गेस कर ले, क्योंकि अगर लाइट कर दूंगी तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी। फ्लैश की लाइट में वो फटाफट से डाल देगा, इसलिए बस ऐसे ही अंधेरे में ही डलेगा हल्का सा। आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा हल्का सा छूट। ये देखिए लगा हुआ है ये देखिए लगा हुआ डालने में। नो चीटिंग, नो चीटिंग। वैसे भी नहीं डाल पाएंगे, दिन भर उन्हें कार्टून मोबाइल देखना है और ये कोरोना ने तो और इनको मोबाइल चलाना भी। देखिए लाइट की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों क्या करेंगे, चीटिंग। ये थोड़ा सा लाइट में वहाँ पर ना सर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो फिर से आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी शुभकामनाएं की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।